नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बस अब थोड़ी देर बाद समंदर के नए प्रहरी यानी कि INS विक्रमादित्य को देश की सेवा में समर्पित करेंगे नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री बनने के बाद दिल्ली से बाहर नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा है। मोदी करीब 4 घंटे विक्रमादित्य पर गुजारेंगे और नौसेना अधिकारियों से बात भी करेंगे। आपको बता दें कि इसके मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। MiG-29 लगातार निगरानी बनाए रखेगा और हर तरफ से जल थल और वायु सेना पूरी तरह से सतर्क है। इस पूरे आज के कार्यक्रम को लेकर INS हंस पहुंचेंगे और फिर हेलीकॉप्टर से जाएंगे INS विक्रमादित्य। नरेंद्र मोदी लगभग आज गोवा में रहेंगे। दिन भर नरेंद्र मोदी 4 घंटे विक्रमादित्य पर गुजारेंगे। युद्धपोत पर 4 घंटे बिताएंगे नरेंद्र मोदी और देश को आज औपचारिक तौर पर समर्पित करेंगे INS विक्रमादित्य। हम आपको बता दें, ये विमान वाहक युद्धपोत के लिए वाजपेयी सरकार ने रूस से सौदा किया था। लगभग 1.5 दशक पहले की ये बात है जब वाजपेयी सरकार ने ये सौदा किया था रूस से। और देखिए, अजीब इत्तेफाक इसे कहेंगे या फिर सुखद इत्तेफाक इसे कहेंगे कि NDA की ही सरकार में नरेंद्र मोदी आज इसे देश को समर्पित करने वाले हैं। और बस थोड़ी देर बाद, जैसा कि आपको हमने बताया कि समंदर के नए प्रहरी INS विक्रमादित्य को देश की सेवा में समर्पित करेंगे नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री बनने के बाद दिल्ली से बाहर नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा होने वाला है। मोदी करीब 4 घंटे विक्रमादित्य पर गुजारेंगे और नौसेना अधिकारियों से बात भी करेंगे। भारत की विशाल समुद्री सीमा का नया प्रहरी, देश की नौसेना का नया गौरव INS विक्रमादित्य। एक ऐसा युद्धपोत जो समंदर की लहरों का सम्राट है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे औपचारिक तौर पर देश की सेवा में समर्पित करने वाले हैं। शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली से बाहर ये पहला कार्यक्रम है और नौसेना ने इसके लिए शानदार तैयारी कर रखी है। सबसे सख्त इंतजाम प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर किए गए हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री INS हंस नौसैनिक अड्डे पर उतरेंगे। यहाँ हेलीकॉप्टर के जरिए अरब सागर में मौजूद INS विक्रमादित्य का सफर तय करेंगे। INS हंस नौसैनिक अड्डे पर भी सुरक्षा के लिए युद्धपोत तैनात किए गए हैं। एहतियात के तौर पर गोवा के तट की ओर जाने वाली समुद्री जहाजों पर आसमान से नजर रखी जा रही है। हवाई खतरों से निपटने की भी तैयारी है। जब प्रधानमंत्री सीकिंग हेलीकॉप्टर में सवार होकर INS विक्रमादित्य के लिए रवाना होंगे तो हवाई सुरक्षा के लिए MiG-29 के लड़ाकू विमान गश्त लगाते रहेंगे। सूत्रों ने बताया कि INS विक्रमादित्य पर अपनी वायु रक्षा प्रणाली नहीं है, इसलिए किसी भी हवाई खतरे से निपटने के लिए तलवार श्रेणी और दिल्ली श्रेणी के विध्वंसक पोत तैनात किए गए हैं। करीब 9:30 बजे प्रधानमंत्री अरब सागर पर तैर रहे इस विशाल युद्धपोत पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद औपचारिक समारोह की शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 4.5 घंटे इस युद्धपोत में बिताएंगे। इस दौरान वो INS विक्रमादित्य के प्रमुख हिस्सों को खुद जाकर देखेंगे। नरेंद्र मोदी INS विराट, दिल्ली श्रेणी विध्वंसक और तलवार श्रेणी पोत सहित नौसेना की पश्चिमी बेड़े के जहाजों का कौशल देखेंगे। सूत्रों के मुताबिक मोदी जहाज पर नौसेना अधिकारियों और नाविकों से भी बात कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी सबसे पहले INS विक्रमादित्य का दौरा करके शायद ये संदेश दे रहे हों कि उनके लिए देश की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। बेशक नए प्रधानमंत्री के लिए ये चुनौती बेहद अहम है। प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार सुरक्षा के बारे में बहुत जोर देर का कहा है। इनमें 4 चुनौतियाँ एकदम सामने दिखती हैं। विक्रमादित्य बड़ा अच्छा लगता है, यानी कि पूरे समुद्र पर छा जाने के लिए, लेकिन उसको डिनाई करने के लिए पनडुब्बी, एक के बाद एक पनडुब्बी का हम हादसा सुनते आ रहे हैं। वो स्ट्रेंथ का बढ़ना बड़ा ज़रूरी है। हमारे जो स्पेस है, इस स्पेस में हमारी इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हमारे जो GPS वगैरह के लिए जो सैटेलाइट रखे जा रहे हैं उनको कोई ना छेड़े। अभी तक भारतीय नौसेना में एकमात्र विमान वाहक युद्धपोत INS विराट था। अब INS विक्रमादित्य के शामिल होने से नौसेना की शक्ति में इजाफा हो जाएगा। लेकिन हकीकत ये भी है कि सुरक्षा के मोर्चे पर अभी बहुत कुछ करना बाकी है।
INS विक्रमादित्य पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे तो उनके लिए कोई चांदनी रात में नौका विहार की तरह नहीं होगा। इस समय भारतीय नौसेना के पास न पनडुब्बियां हैं, न युद्धपोत हैं, न मिसाइलें हैं, न टॉर्पेडो हैं उचित संख्या में। उत्तरी अरब सागर से दक्षिणी चीन सागर तक अगर भारत को अपना वर्चस्व बनाए रखना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तेजी से ये सभी हथियार और उपकरण नौसेना को देने होंगे। सवाल कई हैं, क्या प्रधानमंत्री के पास जवाब है? देश जवाब चाहता है। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा और शिव अरूर के साथ गौरव सावंत, दिल्ली आज तक। और देश जवाब चाहता है तो शायद आज प्रधानमंत्री को संदेश दें देशवासियों को, जब देश की सीमाओं पर निगरानी रखना मुमकिन हो तो मनोबल खुद ब खुद बढ़ जाता है। INS विक्रमादित्य की क्षमता हमारी नौसेना को यही हौसला देने वाला है। करीब 500 किलोमीटर की कोई भी गतिविधि इस युद्धपोत की नजरों से नहीं बच पाएगी। देश को तीन तरफ घेरने वाली समंदर की लहरें व्यापार के लिहाज से सबसे बड़ी ताकत भी है और सुरक्षा के नजरिए से सबसे बड़ी चुनौती भी। हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, हजारों मालवाहक जहाजों का ठिकाना है यह समुद्री तट और अथाह समंदर की लहरों पर तैरता हुआ सैन्य दुर्ग। अभेद सुरक्षा और अचूक वार करने वाले हथियारों से लैस INS विक्रमादित्य। चलिए शुरू करते हैं इसका परिचय। भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने से पहले इसे बाकू और एडमिरल गोर्शकोव के नाम से जाना जाता था। रूस में बने इस युद्धपोत को खरीदने का सौदा करीब 15,000 करोड़ रुपए में तय हुआ। 44,570 टन के वजन वाले INS विक्रमादित्य की ऊंचाई 60 मीटर यानी 20 मंजिली इमारत जितनी है। 20 डेक वाले इस युद्धपोत पर 1600 से 1800 नौसैनिकों की तैनाती रहेगी। समंदर की लहरों पर INS विक्रमादित्य 30 नॉट यानी करीब 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सफर तय करता है। 284 मीटर लंबे इस पोत पर 24 MiG-29 और 10 हेलीकॉप्टर तैनात किए जाएंगे। रूसी बेड़े में महज 6 महीने तक रहने वाला बाकू अपने विक्रमादित्य के नए अवतार में नई भूमिका के लिए तैयार है। बाकू से विक्रमादित्य के सफर के दौरान इसमें कई बदलाव किए गए हैं। तत्कालीन रक्षा मंत्री एक एंटनी ने इसे गेम चेंजर बताया था। INS विक्रमादित्य युद्धपोत के 500 किलोमीटर के दायरे में आने वाले दुश्मनों का पता लगा लेता है। माइक्रोवेव लैंडिंग सिस्टम की वजह से लड़ाकू जहाजों की लैंडिंग कई हालात में मुमकिन है। मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस INS विक्रमादित्य MiG-29 के साथ बेहद मजबूत किलेबंदी कर सकता है। किसी देश की फौजी ताकत में नौसैनिक बेड़े की अहम भूमिका होती है। इस वक्त अमेरिका के पास 11 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट करियर हैं। विक्रमादित्य के आने से भारत इटली के बराबर होगा, जिसके पास 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। चीन, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, स्पेन, ब्राजील और थाईलैंड के पास 1-1 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। समुद्री तटों की सुरक्षा और आतंकी घुसपैठ के खतरों को देखते हुए INS विराट के साथ INS विक्रमादित्य की मौजूदगी नौसेना के मनोबल में नई जान फूंक देगी। आज तक ब्यूरो। और आपको बता दें इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं वाइस एडमिरल रिटायर्ड अनूप सिंह और साथ ही हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी गौरव सावंत। सबसे पहले सिंह साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आज का दिन कई मायनों में अहम है। लगभग 1.5 दशक पहले जो वाजपेयी सरकार ने और खास करके वाजपेयी जी ने जो सपना देखा था, एक तरह से आज वो सच होने जा रहा है। आपके लिए किस नजरिए से आप इसे देखते हैं सबसे पहले तो, और आपके लिए ये क्या मायने रखता है, आज का दिन आप कैसे देखते हैं? ये बहुत अहम मौका है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, 2004 की जनवरी में जो हमने एग्रीमेंट साइन किया था रूस के साथ, उसका नतीजा जो है उसको आते हुए तकरीबन 1 दशक हो गया है। और आज के दिन ये, जैसे कहा जाता है अंग्रेज़ी में, एक डेडिकेटेड टू द नेशन, ये इतना बड़ा युद्धपोत जो पूरी एशिया में सबसे बड़ा होगा एयरक्राफ्ट कैरियर, वो आज डेडिकेट होगा और इसका एक एक पाई जो हमने मूल दिया है उसका रिजल्ट नज़र आएगा। जी बिल्कुल गौरव, यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे, चूँकि आप लगातार कवर भी करते रहते हैं इसलिए आपको डिटेल में, माइन्यूट डिटेल्स इसके पता हैं। गोर्शकोव INS
विक्रमादित्य के रूप में भारत पहुंचा है और आज नरेंद्र मोदी का इसे भारत को समर्पित करना, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, क्या लगता है आपको? जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन है, 44,500 टन डिस्प्लेसमेंट है इस जहाज का, इसमें 30 विमान और हेलीकॉप्टर आ सकते हैं और एक तरह से देखिए तो एक वसुधैव कुटुंबकम है ये टेक्नोलॉजी का। इसमें रूसी टेक्नोलॉजी है, इजरायली टेक्नोलॉजी है, ब्रिटिश टेक्नोलॉजी है और हमारी भारतीय टेक्नोलॉजी है, वो सब मिलकर इस युद्धपोत पर आते हैं। इसमें सी हैरियर विमान भी होंगे, MiG-29K विमान भी होंगे, कामोव्स एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी विमान होंगे, हेलीकॉप्टर्स होंगे, ये तो हुई एक बात। आज जो शक्ति प्रदर्शन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, उसमें आप ये देखिए कि हमारे अमेरिका में बने जो विमान हैं P-8Is वो होंगे जो लंबी दूरी तक टोह भी ले सकते हैं, पनडुब्बी को गिरा भी सकते हैं। हमारी पनडुब्बियां वहां होंगी, हमारे मैरिटाइम रिकॉनिसेंस विमान होंगे, अटैक विमान होंगे, हेलीकॉप्टर्स होंगे, एक तरह से पश्चिमी सीमा पर, पश्चिमी समुद्री सीमा पर भारत का ये विशाल शक्ति प्रदर्शन होगा। मिसाइलें आज दागी जाएंगी, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तरह से देखे तो गनबोट डिप्लोमेसी का भी हिस्सा बन सकता है आने वाले समय में। तो देश को सबसे उन्नत विमान वाहक पोत विक्रमादित्य बस थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को समर्पित करने वाले हैं। हमारे दोनों ही मेहमान, हमारे सहयोगी गौरव सावंत और साथ ही साथ वाइस एडमिरल अनूप सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, हम जरा डिटेल में हम जानना चाहेंगे इसकी खूबियों के बारे में, विक्रमादित्य के बारे में। कहा जाता है कि इसमें ये इकलौता ऐसा, इसकी फैसिलिटी ऐसी है कि इसमें माइक्रोवेव लैंडिंग सिस्टम है जो कि इसको स्पेशल बनाता है, अलग बनाता है। किस तरह से इसका उपयोग किया जा सकता है, क्या कुछ है ये बताएं। इसमें हम पहली बार देखेंगे कि अरेस्टर वायर्स के जरिए किस तरह जब एक MiG-29 लड़ाकू विमान इस पर लैंड करने के लिए आता है तो कैसे वो एक हुक नीचे गिराता है, एक हुक लटकाता है, तार वहां पर खींच जाते हैं और उस हुक से लगकर वो वहीं पर गुलेल से जैसे एक विमान छूटता है वैसे टेक ऑफ होता है और कैसे गुलेल की ही तरह एक तरह इसको रोक दिया जाता है। और ये उम्दा टेक्नोलॉजी है जिसको हम आज पहली बार इस देश में देखेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे। इस एक शहर है, एक पूरा शहर, इसमें 1600 नौसैनिक एक बार में आ सकते हैं। एक अगर छोटी सी आपको बात बताऊं तो इस जहाज की रक्षा के लिए कम से कम 5 जहाज और इसके साथ चलते हैं जिनमें अपने हेलीकॉप्टर होते हैं, इसके साथ पनडुब्बी चलती है, तो एक कैरियर बैटल ग्रुप एडमिरल अनूप सिंह एक पूरी तरह से होता है और ये दूर तक भारत के इंटरेस्ट की सुरक्षा कर सकता है। ये हमारी सरहदों की सुरक्षा, समुद्री सरहदों की सुरक्षा के लिए नहीं है, भारत अपनी शक्ति दुनिया के किसी कोने में ले जाकर 45 दिनों तक लगातार वहीं से विमान उड़ेंगे, वहीं पर लैंड करेंगे, वहीं पर उनका खाना पीना, नौसैनिकों का सब कुछ वहां हो सकता है, हथियार वहीं हो सकते हैं, 45 दिन तक अपने आप को सक्षम रख सकता है ये विमान। बिल्कुल सिंह साहब, बताए ये भी जा रहा है कि इसमें इतनी क्षमता है कि 500 किलोमीटर की दूरी पर भी अगर कुछ गतिविधि हो रही है तो भी इसे पता चल जाता है और उसके बाद अकॉर्डिंगली आगे एक्शन लिया जा सकता है, जो कि बेहद दिलचस्प और बेहद सही तरीका है एक तरह से। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है उसकी सबसे बड़ी क्षमता होती है फोर्स प्रोजेक्शन, और जिस देश के अंदर एयरक्राफ्ट कैरियर हो उस देश का केवल नेवी के लिए ये एक प्रॉपर्टी नहीं है, ये उस देश की पावर प्रोजेक्शन का एक बहुत बड़ा एलिमेंट माना जाता है। वो इसलिए कि नॉर्मली एक किसी भी युद्ध पोत की रीच उसकी मिसाइल या गन्स होती हैं, इस युद्ध पोत की जो मेन आर्मामेंट है वो फाइटर एयरक्राफ्ट है, तो जहां तक फाइटर एयरक्राफ्ट जिस दूरी तक जा सके वहां तक इसकी क्षमता है। लेकिन सबसे बड़ी अहमियत ये है इस जहाज की कि बड़ा होने के बावजूद, जैसे गौरव ने अभी बताया 45 दिन तक तो उसके अपने पास जो राशन वगैरह हैं और तेल है उस तक चल सकता है, लेकिन जो पूरा बेड़ा जैसे आज दिखाया जाएगा, पूरा बेड़ा जब चलता है तो उसमें टैंकर होता है, टैंकर के जरिए से वो कंटिन्यूसली जितनी दूर तक जितनी देर तक आप चाहे चलता है। और पुराने जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते थे कन्वेंशनल हमारे, वो तकरीबन एक 24 घंटे के दौरान में 600 मील तक जाया करते थे 24 घंटे में। ये जहाज़ की क्षमता ऐसी है कि ये 1000 मील तक दूरी तय कर सकता है और अपने जरिए अपने तरीके से अपने हेलीकॉप्टरों और विमान दूसरे विमानों के साथ पूरे 500-600 किलोमीटर तक नज़र रख सकता है।
ये कोई आम मामूली बात नहीं है। बस अब थोड़ी ही देर में देश को समर्पित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी INS विक्रमादित्य, और सीधे INS विक्रमादित्य से जुड़े हैं हमारे एडिटर एट लार्ज राहुल कंवल। राहुल, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस वक्त आपको महसूस कैसा हो रहा है? INS विक्रमादित्य पर आप हैं जिसका सपना देख रहा था ये देश, और अब देश को समर्पित करने वाले हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत के लिए, भारत की नौसेना के लिए आज बहुत गर्व का दिन है कि INS विक्रमादित्य, भारत का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, अब से कुछ ही देर में भारत की नौसेना में कमीशन होने वाला है, और इसके आने से भारत की जो नेवल क्षमताएं हैं उनको बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है, बहुत बड़ा उसको फायदा होता है, क्योंकि अब भारत दुनिया की उन चुनिंदा नेवीज में हो जाएगा, नौसेनाओं में हो जाएगा जिनके पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। यहाँ पर इस वक्त हम लोग फ्लाइट डेक पर खड़े हैं और यहाँ पर आखिरी तैयारियां की जा रही हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। अब से थोड़ी ही देर में करीब 10:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्रमादित्य पर लैंड होने वाले हैं। किस्मत की बात यह है कि मौसम काफी हद तक क्लियर हो गया, रात भर बारिश हो रही थी, बादल छाए हुए थे, लग रहा था कि बारिश पूरे दिन का मजाक खराब कर सकती है, लेकिन अब काफी हद तक मौसम साफ है और बड़ा जबरदस्त नौसेना की जो क्षमता है उसका प्रदर्शन नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। आते के साथ ही नरेंद्र मोदी पहले यहाँ पर एक MiG-29K जो कि नौसेना के लिए खास तौर से तैयार किया गया लड़ाकू जहाज है उसमें जाएंगे, उसमें उसके कॉकपिट में बैठेंगे, वहां पर पोज करेंगे और कहीं ना कहीं उस एक तस्वीर के जरिए ये संदेश भेजेंगे दुनिया को कि भारत की जितनी भी सैन्य दिक्कतें हैं, भारत की जो सेनाएं हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान खुद मोदी कॉकपिट में बैठकर ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपको मालूम होगा कि पिछले 10 साल में जितने भी बड़े हथियारों के प्रोजेक्ट थे जो कि भारत की तीनों सर्विसेज को बहुत अर्जेंटली चाहिए थे, वो किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी घोटाले के आरोप के चक्कर में उनको खरीदा नहीं गया, और इस वजह से भारत की जो सैनिक क्षमताएं हैं टेक्निकली वो काफी हद तक इस वक्त जितनी होनी चाहिए वो उस स्तर पर नहीं है, और तमाम जो यहाँ पे अफसर हैं उनको उम्मीद है कि चूंकि अपने प्रधानमंत्री कार्यपद के पहले ही महीने में नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं तो उनके लिए नेवी, आर्मी, एयरफोर्स प्राथमिकता का केंद्र रहेगा, और इससे उनको बल भी मिल रहा है क्योंकि लोगों को लग रहा था कि मनमोहन सिंह कांग्रेस सरकार के रहते डिफेंस को, नेशनल सिक्योरिटी को बहुत हद तक इग्नोर किया गया, हाशिए पे रखा गया, उनको लग रहा है कि अब मोदी अरुण जेटली की जो टीम है उसको बदलेगी, और उसी के चलते पहले ही महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ विक्रमादित्य पर आ रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनका पहला दौरा है इसलिए कई मायनों में अहम भी है। राहुल, साथ ही साथ ये भी अगर कहें कि एक संयोग देखिए किस तरह का है, 1.5 दशक पहले लगभग वाजपेयी जी ने यह सपना देखा था कि भारतीय नौसेना को उन्नत विमान वाहक पोत से लैस करने का, और आज लगभग वो सच होता सामने आ रहा है जब नरेंद्र मोदी, एनडीए के सरकार में नरेंद्र मोदी आज इसे देश को समर्पित करेंगे। इतना आसान नहीं था इस सपने को पूरा करना क्योंकि जिस खर्चे पे, जिस कीमत पर हमने ये विमान लिया था उसमें खर्चे लगातार बढ़ते चले गए, लोगों ने कहा कि रूस भारत को ठग रहा है, टाइम डिलेज हुए, कॉस्ट ओवरन्स हुए, लोग बहुत खफा भी हुए कि क्योंकि कबाड़ आज तो ये बड़ा चमक रहा है और इसको पूरा नया कर दिया गया है, लेकिन शुरुआत कबाड़ था, जब बोर्शकोव था तो इसको कबाड़ के तौर पे रखा गया था रूस में और वहां से उसको फिर से बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। कहीं ना कहीं विक्रमादित्य का सपना ये दिखाता है कि उस सपने को पूरा करना हिंदुस्तान में अब तक कितना मुश्किल रहा है किसी भी वेपन एक्विजिशन का प्रोसेस, जबकि चीन और पाकिस्तान जैसे जो देश हैं वो लगातार अपनी नेवीज में सबमरीन केपेबिलिटीज, पनडुब्बी की क्षमताओं को, फ्रिगेट्स की, डिस्ट्रॉयर्स की क्षमताओं को लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं, जबकि भारत में ऐसा अब तक नहीं हो पाया, और इस वजह से ट्रेनिंग पर, मेंटेनेंस पर, स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी पर, इन सब चीजों पर असर पड़ा है जिससे कई सारे एक्सीडेंट्स भी आपने देखा पिछले कई महीने में लगातार एक के बाद एक एक्सीडेंट्स हुए जिससे नौसेना की छवि पर भी असर पड़ा, लेकिन अब लोगों को उम्मीद है कि मोदी खुद एक तरह से कॉकपिट पर बैठ रहे हैं, खुद इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो हो सकता है कि नेवी के और तीनों सेनाओं के दिन भी फिर। बिल्कुल, एक अच्छी पहल के तौर पर इसे देखा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आपका हमसे बात करने के लिए। और सिंह साहब बने हुए हैं हमारे साथ स्टूडियो में, साथ ही गौरव भी हैं। सिंह साहब, जिस तरह से राहुल जिक्र कर रहे थे पहले कबाड़ के रूप में था, सही बात है, 6 महीने तक, मात्र 6 महीने रशियन फ्लीट में रहा था गोर्स्कोव, और अब पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म इसको किया गया है, इसके चाहे सेंसर्स हो या फिर सर्विलांस इक्विपमेंट्स हो, पूरी तरह से उसे ट्रांसफॉर्म किया गया है और अब हर सुविधाओं से लैस ये विक्रमादित्य के रूप में भारत पहुंचा है।
कैसे देखते हैं आप इसे और कितना हमारे लिए कितना ये महत्वपूर्ण होने जा रहा है और सुरक्षा से संबंधित आप इसे कैसे देखते हैं, कितनी मजबूती हमें मिलेगी इससे? ये बहुत अहम बात है क्योंकि आपको याद होगा जब 2004 में हमने रूस के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया था, उस वक़्त इस एग्रीमेंट के तहत 52 महीनों के अंदर युद्धपोत विक्रमादित्य हमारे को हैंड ओवर किया जाना चाहिए था, यानी कि 2008 में। लेकिन 2007 में ही जब रशियन डॉकयार्ड ने, शिपयार्ड ने इसको पूरी तरह से खोल दिया था, हर चीज़ हटा दी थी, तो ये देखा गया उनके द्वारा और हमारे स्पेशलिस्ट जो वहाँ थे कि कई चीज़ें इतनी ख़राब हैं कि उनको रिपेयर या रेनोवेट नहीं किया जा सकता, अपग्रेड भी नहीं किया जा सकता। इसलिए ये डिसीजन लिया गया अगले 6-7 महीने में कि पूरी तरह से एक नया युद्धपोत बनेगा। तो अब इसीलिए हमने इसका मूल बहुत ज़्यादा दिया है। अब ये एक तरह से बिल्कुल ब्रांड न्यू शिप बन के आया है, यानी कि आप इस तरह इमेजिन कीजिए कि तकरीबन 2500 टन स्टील, हैवी स्टील इसमें सारा का सारा रिप्लेस किया गया है। इस 2500 टन का ये मतलब होता है कि आजकल की एक फ्रिगेट 2500 टन की होती है, छोटी फ्रिगेट 2500 टन स्टील की होती है। इसी तरह से हज़ारों मील नई केबल्स डाली गई हैं अलग अलग स्पेशलाइजेशन की जी, और पूरी की पूरी जो सिस्टम इक्विपमेंट और इंजन्स हैं वो सारे नए हैं। तो ये बिल्कुल ब्रांड न्यू शिप है। बिल्कुल गौरव, अगर खूबी की बात करें तो बताया जा रहा है कि अगर नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर अगर होता है तो ऐसे में एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम इसमें लगाया गया है, इसके बारे में बेहद दिलचस्प है, हम जानना चाहेंगे और शायद दर्शक भी जानना चाहेंगे इस बारे में। अगर मैं आपको इस पूरे युद्धपोत के बारे में बताऊं तो भारत का अब तक का ये सबसे बड़ा युद्धपोत है। 45,000 टन इसका डिस्प्लेसमेंट है, 284 मीटर लंबा है, करीब 60 मीटर चौड़ा है। आम आदमी की भाषा में अगर बात की जाए, और आजकल फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, तो 3 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा ये जहाज है, जमीन से लेकर अपनी ऊंचाई तक ये करीब लगभग 20 मंजिल बताया शायद गौरव, बिल्कुल 20 मंजिल, एक 20 मंजिली इमारत जितना बड़ा है। 22 इसमें डेक है, 1600 इसमें नाविक एक बार में आ सकते हैं, 9 सैनिक इसमें आ सकते हैं, 30 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर इस जहाज में आ सकते हैं। इसके अलावा एक दिलचस्प बात अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें लगभग 1,00,000 अंडे हर महीने यहाँ के नौसैनिक खाते इस पे होते हैं, 16,000 लीटर दूध, 16 लाख टन चावल हर महीने इस युद्धपोत पर आता है। तो इतना बड़ा है जैसे, और ये तो इसकी अपनी कैपेसिटी है, जैसे एडमिरल अनूप हमें बता रहे थे कि इसके साथ एक टैंकर अलग चलता है। तो आप इस पूरे कैरियर बैटल ग्रुप को देखिए, अगर भारत को अपना शक्ति प्रदर्शन दुनिया के किसी कोने में करना है तो ये केवल एक जहाज नहीं जाएगा, इसके साथ कम से कम 6 जहाज और पनडुब्बियां और इसके साथ चलेंगी, इसकी सुरक्षा के लिए कैरियर बैटल ग्रुप, और इसके साथ साथ जहां भी हमें शक्ति प्रदर्शन करना है वहां पर प्रहार करने के लिए। यहां इश्यूज भी है जिसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। बिल्कुल अद्भुत है ये जानना और ये समझना INS विक्रमादित्य के बारे में। जाहिर सी बात है अब थोड़ी देर में नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं, और वहाँ पर जब वो देश को समर्पित करेंगे, और ये युद्धाभ्यास भी बताया जा रहा है वो भी देखेंगे वहाँ पर जो हो रहा है, पूरा आज का कार्यक्रम उस पर पल पल हमारी नज़र बनी रहेगी, वो भी आपको बताएंगे। अनूप सिंह साहब, आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे कि मेक 29 के उसे भी वहाँ पे बताया गया है कि सिंक्रोनाइज किया गया है प्रॉपरली, उसकी क्या महत्ता है, क्या इम्पोर्टेंस है यहाँ पर, वो हम समझना चाहेंगे। देखिए, जो हमारे पास सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर आया था पुराना विक्रांत, जो 1961 में हमने सेकेंड हैंड कैरियर खरीदा था रॉयल नेवी से, इंग्लैंड से, उसके अंदर स्टीम का कैटापुल्ट होता था, क्योंकि उस वक़्त के जो जहाज़ थे सी हॉक, उनको केवल कैटापुल्ट से, जैसे गौरव ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, गुलेल की तरह से हवा में फेंका जाता था। उसके बाद उस स्टीम इंजीनियरिंग का सपोर्टेबिलिटी बहुत वीक हो गई थी, और हमने सी हैरियर 1983 में खरीदे जो वर्टिकली टेक ऑफ कर सकते थे, लेकिन वर्टिकल टेक ऑफ के साथ बहुत फ्यूल का यूज़ हो जाता है, तो एंड्योरेंस कम रह जाती है, रेडियस ऑफ एक्शन एक जहाज़ का, हवाई जहाज़ का कम हो जाता है। अब हमारे पास बहुत ही वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट आया है रशिया से, जिसकी डील भी हमने उसी वक्त साइन की थी 2004 में। अब ये 16 जहाज जो हमारे पास हैं मिग 29 के, सारे 16 के 16 इस जहाज़ के ऊपर आएंगे,
और यहीं से ऑपरेट करेंगे। उसकी महत्वता ये है कि बिना कैटापुल्ट के भी स्की जंप में जो नई टेक्नोलॉजी हमने शुरू की थी विक्रांत को जब मॉडिफाई किया था, वही हमने रशिया में विक्रमादित्य के ऊपर बनाया है ताकि टेक ऑफ के लिए कोई एंड्योरेंस की कमी ना रहे। और ये सी हैरियर से कम अज कम 2.5 गुना ज्यादा रेडियस ऑफ एक्शन और 3 गुना ज्यादा असला लेके जा सकते हैं। तो आईएनएस विक्रमादित्य पर बस कुछ ही क्षणों में, एक तरह से कह ले कुछ ही पल के बाद पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और क्या कुछ रहेगा उनका कार्यक्रम, 4 घंटे वहां पर बिताने वाले हैं। पल पल की जानकारी आपको हम देंगे क्योंकि वहां पर मौजूद है हमारे एडिटर एट लार्ज राहुल कंवल भी, जो कि डायरेक्टली यानी कि सीधे वहां से आपको जानकारी देंगे। इस वक्त आपको बता दें कि जब देश की सीमाओं पर निगरानी रखना मुमकिन हो तो मनोबल खुद ब खुद बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है आईएनएस विक्रमादित्य की क्षमता हमारी नौसेना को यही हौसला देने वाला है। करीब 500 किलोमीटर की कोई भी गतिविधि इस युद्धपोत की नजरों से नहीं बच पाएगी। देश को 3 तरफ घेरने वाली समंदर की लहरें व्यापार के लिहाज से सबसे बड़ी ताकत भी है और सुरक्षा के नजरिए से सबसे बड़ी चुनौती भी। हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, हजारों मालवाहक जहाजों का ठिकाना है यह समुद्री तट और अथाह समंदर की लहरों पर तैरता हुआ सैन्य दुर्ग। अभेद सुरक्षा और अचूक वार करने वाले हथियारों से लैस आईएनएस विक्रमादित्य। चलिए शुरू करते हैं इसका परिचय। भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने से पहले इसे बाकू और एडमिरल गोर्शकोव के नाम से जाना जाता था। रूस में बने इस युद्धपोत को खरीदने का सौदा करीब 15,000 करोड़ रुपए में तय हुआ। 44,570 टन के वजन वाले आईएनएस विक्रमादित्य की ऊंचाई 60 मीटर यानी 20 मंजिली इमारत जितनी है। 20 डेक वाले इस युद्धपोत पर 1600 से 1800 नौसैनिकों की तैनाती रहेगी। समंदर की लहरों पर आईएनएस विक्रमादित्य 30 नॉट यानी करीब 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सफर तय करता है। 284 मीटर लंबे इस पोत पर 24 MiG-29 और 10 हेलीकॉप्टर तैनात किए जाएंगे। रूसी बेड़े में महज 6 महीने तक रहने वाला बाकू अपने विक्रमादित्य के नए अवतार में नई भूमिका के लिए तैयार है। बाकू से विक्रमादित्य के सफर के दौरान इसमें कई बदलाव किए गए हैं। तत्कालीन रक्षा मंत्री एक एंटनी ने इसे गेम चेंजर बताया था। आईएनएस विक्रमादित्य युद्धपोत के 500 किलोमीटर के दायरे में आने वाले दुश्मनों का पता लगा लेता है। माइक्रोवेव लैंडिंग सिस्टम की वजह से लड़ाकू जहाजों की लैंडिंग कई हालात में मुमकिन है। मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस आईएनएस विक्रमादित्य MiG-29 के साथ बेहद मजबूत किलेबंदी कर सकता है। किसी देश की फौजी ताकत में नौसैनिक बेड़े की अहम भूमिका होती है। इस वक्त अमेरिका के पास 11 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। विक्रमादित्य के आने से भारत इटली के बराबर होगा, जिसके पास 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। चीन, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, स्पेन, ब्राजील और थाईलैंड के पास 1-1 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। समुद्री तटों की सुरक्षा और आतंकी घुसपैठ के खतरों को देखते हुए आईएनएस विराट के साथ आईएनएस विक्रमादित्य की मौजूदगी नौसेना के मनोबल में नई जान फूंक देगी। आज तक ब्यूरो। और ये विमान आप देख रहे हैं, गोवा की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आईएनएस हंस यहां पर बस अब कुछ ही पलों में नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आएंगे इस विमान से उतरते हुए। और उसके बाद उनका कार्यक्रम है सीधे आईएनएस विक्रमादित्य जाने का, यानी कि वहां से हेलीकॉप्टर फिर उन्हें लेकर सीधे आईएनएस विक्रमादित्य ले जाएगा। तो आज लगभग पूरे दिन गोवा में रहने का कार्यक्रम है नरेंद्र मोदी का। और आईएनएस विक्रमादित्य की अगर बात करें तो लगभग 4 घंटे आईएनएस विक्रमादित्य पर गुजारेंगे नरेंद्र मोदी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तैयारी है और साथ ही साथ जाहिर से ये देखिए तस्वीरों में नरेंद्र मोदी बस अब बाहर ही आने वाले हैं और आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री, देश के पहला दौरा है प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का और ऐतिहासिक इसे कहेंगे। जाहिर सी बात है जिस तरह से आईएनएस विक्रमादित्य के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, हमारे स्टूडियो में बैठे मेहमान आपको बता रहे हैं इसकी खूबियों के बारे में, जिस तरह से नौसेना की हमारी एक तरह से ताकत बढ़ाने वाला और हमारी देश की सुरक्षा के लिए जिस तरह से आईएनएस विक्रमादित्य को आज समर्पित करेंगे नरेंद्र मोदी, कहीं ना कहीं नौसेना
देश की सुरक्षा और हर एक भारतीय के लिए आज के लिए गौरव का दिन है। ये बेहद महत्वपूर्ण एक ऐतिहासिक दिन इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये देखिए नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी आज किसी कार्यक्रम के लिए इस तरह के बाहर आए हैं, दिल्ली से बाहर आए हैं। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौसेना अध्यक्ष के अलावा फ्लैग ऑफिसर, गोवा एरिया वेस्टर्न फ्लीट के आला अधिकारियों से मिलते हुए, उसके बाद जो उनके अधिकारी हैं उनसे मिलेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री है, पहला दौरा है, आला अधिकारी उनका स्वागत कर रहे हैं और उसके बाद एक सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। भारतीय नौसेना के 150 नौसैनिक इस सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर का हिस्सा बनेंगे, प्रधानमंत्री का सम्मान करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का श्वेता ये पहला दौरा है गोवा का, प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला दौरा है किसी भी जगह का जहां पर अब वो INS विक्रमादित्य को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक जबरदस्त दिन इसलिए भी है क्योंकि एक शक्ति प्रदर्शन है ये भारत का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि एक तरफ, दूसरी तरफ एक शक्ति प्रदर्शन। और यहां पर जैसे ही वो हेलीकॉप्टर के जरिए गोवा बेस पर, तो इस भारतीय वायुसेना के विमान से पहुंचे हैं, यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए अब वो पहुंचेंगे जहाज पर, युद्धपोत पर, युद्धपोत पर जहाज दिया जा रहा है शायद गौरव जी, हम देख सकते हैं। अब गार्ड कमांडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाएंगे और उनका स्वागत करेंगे, निरीक्षण के लिए आमंत्रित करेंगे। गार्ड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान, ये आदेश, ये कमांड गार्ड कमांडर की तरफ से जाता है और फिर प्रधानमंत्री निरीक्षण करते हैं गार्ड ऑफ ऑनर का। एडमिरल अनूप, इसका महत्व क्या है जब गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है किसी भी सम्मानित व्यक्ति को, इसका इसका सिंबलिज्म क्या है? इसका सिंबलिज्म है रिस्पेक्ट, जो वो डिजर्व करते हैं किसी भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। गार्ड ऑफ ऑनर सबसे बड़ी सेरेमनी होती है जिसके ऊपर सेरेमोनियल यूनिफॉर्म में शस्त्रों के साथ तैनात सैनिक या नौसैनिक या वायुसैनिक खड़े होकर और राइफल के साथ सलूट करते हैं। उसके पहले परेड कमांडर जाके अपनी तलवार निकाल के उसके साथ सलूट करता है और अब ये देखिए वो इंस्पेक्ट कर रहे हैं उस सेरेमोनियल गार्ड को। ये सबसे बड़ी सेरेमनी होती है रिस्पेक्ट देने के लिए। हम आपको बता दें इसके मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं, युद्धपोत निगरानी विमान और सैटेलाइट से नजर रखने के साथ ही आज भारी सैन्य जमावड़ा भी अरब सागर में होगा। नौसेना सूत्रों के मुताबिक अगर बात की जाए तो INS विक्रमादित्य देश को समर्पित करने आ रहे प्रधानमंत्री लगभग पूरे दिन गोवा में होंगे। और गार्ड कमांडर एक बार फिर प्रधानमंत्री को निरीक्षण के बाद ले जाते हुए नौसेना अध्यक्ष एडमिरल राजीव धवन अब हैंगर की तरफ ले जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कुछ क्षण विश्राम और उसके बाद सीधे हेलीकॉप्टर के जरिए जाएंगे प्रधानमंत्री INS विक्रमादित्य पर। एक बहुत ही दिलचस्प बात आपको मैं यहाँ ये बता दूं श्वेता, कि जो विमान होते हैं, क्योंकि विमानों का बहुत भार होता है तो जब भी कोई भी लड़ाकू युद्धपोत हार्बर से निकलता है तब लड़ाकू विमान उस पर नहीं होते। नेवल एयर स्टेशन डबुलिम, ये नाम है INS हंसा के एयरपोर्ट का, ये नौसेना का एयर स्टेशन है और
लड़ाकू विमान गोवा से ही उड़ते हैं और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखेंगे एक के बाद एक वो लड़ाकू विमान लैंड करेंगे। इससे पहले जैसा एडमिरल अनूप हमें बता रहे थे, जो सी हैरियर विमान थे वो वर्टिकल टेक ऑफ करते थे, वर्टिकल लैंडिंग करने में सक्षम थे। इसका क्या मतलब है? ये एक युद्धपोत किस तरह का युद्धपोत है? ये समुद्र में तैरता एक रनवे है। पुराने जमाने में अगर आप दुश्मन के इलाके में वार करना चाहते थे, दुश्मन बहुत दूर होता था, तो आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि मैं ज्यादा हथियार लेके जाऊं या मैं ज्यादा ईंधन लेके जाऊं। ज्यादा ईंधन लेके जाऊंगा तो हथियार कम हो जाएंगे, ज्यादा हथियार लेके जाएंगे तो ईंधन कम होगा, आप दूर नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए इस तरह के युद्धपोत बनाए गए जो एक तैरते हुए लैंडिंग स्ट्रिप्स होते थे, लेकिन लंबी लैंडिंग स्ट्रिप हो नहीं सकती। वर्टिकल टेक ऑफ, वर्टिकल लैंडिंग के लिए सी हैरियर्स बनाए गए, लेकिन उसमें ईंधन बहुत ज्यादा खर्च हो जाता था। अब ये है जो कम एरिया में टेक ऑफ और लैंड कर सकते हैं।